सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, RTX 40 सीरीज के गेमिंग लैपटॉप जो है दोस्तों इंडिया में आ चुके हैं एंड MSI इज द वन टू ब्रिंग इट फर्स्ट। नाउ यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि कोई ऐसी रेस होनी नहीं चाहिए कौन पहले लाया कौन बाद में लाया। रेस इस बात की होनी चाहिए कि भाई किस सेंसिबल प्राइसिंग में आप लोग जो है क्या सेंसिबल ऑफरिंग कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे MSI की तरफ से जो है दोस्तों बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। बाय द वे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि RTX 4050 वाले जो भी लैपटॉप्स होंगे आपको उनकी प्राइसिंग जो है इंडिया में लगभग 90 से 95,000 रुपीस तक जो है देखने को मिल जाएगी। एंड मोस्ट लाइकली देयर वोंट बी ए 8GB वेरिएंट, ओनली जो है आप लोगों को 16GB वाले ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे। 8GB वाले जो वेरिएंट रहेंगे दोस्तों आप लोगों को मोस्टली RTX 3050 और 3050 Ti वाले ग्राफिक कार्ड्स में जो है देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट एडअप जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज वाई इट विल शूट टू 90 to 95,000 रुपीज। एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ दिस लैपटॉप इज कंसर्न, तो मुझे लगता है दोस्तों की इनकी प्राइसिंग जो है बिल्कुल सेंसिबल यहाँ पे लोगों ने नहीं रखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो प्राइसिंग लिखी हुई है ना, ये MRP है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वेट फॉर सम टाइम आप लोग अगर ये लैपटॉप, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस लैपटॉप को खरीदने का, लेकिन आप लोग खरीदना भी चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि कुछ जो है टाइम के लिए रुक जाइए, बिकॉज दिस इज MRP। डेफिनेटली जो है 10 से 12 हजार रुपए जो है इसकी प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ पे सस्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लैपटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आप लोग देखेंगे MSI Cyborg 15, ठीक है। नाउ आप लोगों में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं इसे गेमिंग लैपटॉप बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए सो दे देमसेल्फ मार्केट दिस लैपटॉप एज ए गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं मेंशन देखने को मिल जाएगा कि दिस इज ए गेमिंग लैपटॉप। हर जगह इन लोगों ने जो है Cyborg 15 को ऐसे गेमिंग लैपटॉप ही जो है दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये लोग खुद बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं गेमिंग के हिसाब से देखूं तो दोस्तों इसमें एक भी चीज मेरे को ऐसी नहीं लगी जो कि गेमिंग के हिसाब से प्रॉपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इरिटेट्स मी इज कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप लोग मॉडल देखेंगे तो वहां पे दोस्तों 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में मॉडल ही अवेलेबल नहीं है। दैट मींस दिस मॉडल्स आर स्पेसिफिकली कमिंग टू इंडिया विद ओल्ड 12th जनरेशन प्रोसेसर। नाउ ऐसा नहीं है दोस्तों कि 12th जनरेशन प्रोसेसर खराब है, बट कंसीडरिंग द प्राइस व्हिच यू आर टेकिंग फ्रॉम द इंडियन कंज्यूमर्स, मुझे लगता है दोस्तों 13th जनरेशन वाले प्रोसेसर जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड होने चाहिए थे, जो कि इन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे दिए हुए नहीं है। नाउ एक चीज जो कि मुझे लगता है कि पूरे गेमिंग लैपटॉप की हिस्ट्री में गलत हुई है, दैट वॉज द ईयर आई थिंक 2019 और 2020, जहां पे दोस्तों मैंडेटरी नहीं था एनवीडिया के लिए कि वो जो है मैक्स क्यू वाले स्टिकर्स चिपकाए। नाउ फॉर दोज हु डोंट नो दोस्तों व्हाट मैक्स क्यू थिंग्स आर, व्हाट मैक्स क्यू जीपीयूज आर, तो मैं उन लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो TGP वैल्यू है इस ग्राफिक कार्ड की, ठीक है, इन द केस ऑफ Cyborg 15 लैपटॉप फॉर द RTX 4050, यहाँ पे 45 वॉट का जो है दोस्तों TGP वैल्यू है। नाउ ये जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को जो है अगर पता करना है तो इसकी वैल्यू आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं जाके कोने कोपचे में ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ, अमेजोन के ऊपर भी जो है दोस्तों मोस्ट लाइकली इन लोगों ने मेंशन इस चीज को नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें छुप जाती है एंड There are lot of customers जो कि सिर्फ ब्रांड को देख के चीजें खरीदते हैं, राइट। वो ये नहीं सोचते कि भाई ये क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया रहता है, लेकिन मोस्टली दोस्तों ब्रांड का जो है ब्लाइंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं लोग करते हैं। और इस केस में आप लोग यहाँ पे ये चीज नहीं मेंशन कर रहे हो, ठीक है, दैट्स वेरी डिसएडवांटेज थिंग। और पहले क्या होता था, मैक्स क्यू लिखा हुआ आता था, ऐसे जो अंडरक्लॉक्ड TGP वाले जो आप लोगों को ग्राफिक कार्ड मिलते थे ना, उसके ऊपर अलग से मैक्स क्यू लिखा जाता था। एंड मैक्स क्यू वाले जो ग्राफिक कार्ड होते थे ना, मोस्ट लाइकली आप लोगों को थिन एंड लाइट पावरफुल लैपटॉप्स में देखने को मिलते थे। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है तो आपके पास वेंटिंग सॉल्यूशन काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे वेंटिंग की एयर फ्लो की कोई कमी नहीं है। लेकिन थिन एंड लैपटॉप में क्या होता था दोस्तों, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं कंपनीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि एयर फ्लो को जो है कम करना है, चैसिस थिन रखनी है, तो उस केस में मैक्स क्यू वाले जो GPUs होते थे वहां पे यूज किए जाते थे 45 वॉट फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है दोस्तों। कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं, इट्स वेरी लेस, ठीक है, इट्स वेरी वेरी लेस। आप जो है
अच्छी खासी गेमिंग तो कर ही नहीं पाओगे आप। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस लैपटॉप को 1 लाख रुपए डाल के जो है गेमिंग के लिए कर रहे हो, तो अच्छी खासी गेमिंग तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर भूल जाइए। देन सेकंड थिंग विच इरिटेट्स मी, बिकॉज देखिए मैं एज सच इन जनरल जो है दोस्तों किसी भी लैपटॉप की बुराई नहीं करता हूँ, बट समटाइम्स थिंग्स रियली गेट इरिटेटिंग। द रीजन बीइंग इज एक भी चीज प्रॉपर नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है। तुम ओल्ड जनरेशन के प्रोसेसर यहाँ पे डाल रहे हो और मैक्स क्यू वाले जो है तुम लोग जीपीयू दे रहे हो, प्राइसिंग तुम्हारी इतनी ज्यादा अच्छी है। एंड व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन, दिस इज देयर ट्रेडिशनल हैबिट, वो पहले भी ये लोग बहुत करते हैं एमएसआई वाले, कि पैनल की जो है दोस्तों यहाँ पे कलर एक्यूरेसी नहीं लिखते हैं, ठीक है। कलर कितना sRGB परसेंट वॉल्यूम है इनका नहीं लिखते हैं, इट्स 45% NTSC कलर गैमोट स्क्रीन, जो कि डेफिनेटली दोस्तों वॉश्ड आउट लगेगी। गेमिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है इस लैपटॉप को आप क्या दिन भर गेमिंग ही करते रहोगे, मीडिया कंटेंट ये सब भी तो देखोगे। तो उस केस में इस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों 100% sRGB वाली स्क्रीन होना तो बिल्कुल मैंडेटरी यहाँ पे जो है निकल कर आती है, जो कि इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दी हुई है। सो दैट्स अ वेरी बैड काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे 40-50 हज़ार रुपए वाले लैपटॉप जो है दोस्तों आजकल उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, एंड डिस्पाइट यू आर टेकिंग 1 लाख रुपीज, आप जो है कंज्यूमर को एक अच्छी ढंग की स्क्रीन नहीं दे सकते, जिससे कि दिन रात इंटरेक्शन उसी से होता है। फॉर देर आर लॉट ऑफ पीपल जो सोच रहे होंगे कि भाई स्क्रीन को लेके जो है ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसा दोस्तों तब आप लोगों को लगेगा जिस दिन आप लोगों के पास ढंग के स्क्रीन वाला लैपटॉप आ जाएगा ना, देन यू विल डेफिनेटली फील इट कि एक अच्छी स्क्रीन का होना जो है क्या फायदेमंद आपको जो है देता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ आई कंफर्ट। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पे बैटरी को लेके, तो लगा होगा कि कहीं ना कहीं बैटरी इसकी जो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 53.5 वॉट आवर का जो है सेम नॉर्मल बैटरी पैक, आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि 4-5 साल से ये लोग सेम बैटरी पैक यूज कर रहे हैं बजट लैपटॉप में, ठीक है। तो यही बैटरी पैक जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सो फॉर दी 1 लाख रुपीज प्राइस पॉइंट, एक भी चीज ढंग की इस लैपटॉप में हो मुझे जो है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। पोर्ट सेक्शन पे मैं नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज देर इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट पोर्ट सेक्शन, ठीक है। पोर्ट्स आपके पावरफुल है, बात सही है, लेकिन उन चीजों का यूज तभी है दोस्तों जब अंदर का सिस्टम जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं उतना ज्यादा पावरफुल हो। आपका क्या मानना है इस लैपटॉप के बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आप